अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वैसे स्टूडेंट जो खासकर ह्यूमैनिटीज़ या फिर कॉमर्स में एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, इस वीडियोस में आपको ये डिटेल में बताया जाएगा कि आप एटलीस्ट सोर्सेस क्या क्या फॉलो कर सकते हैं, उसके बारे में क्या क्या बुक लिस्ट उसके बारे में बात किया जाएगा। तो उससे पहले थोड़ा हम आपको पेपर को दिखाते, देखिए आपका जो क्वेश्चन जो होगा उससे आपका सोशल स्टडीज़ से पूछा जाएगा, यानी सिविक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, और उसके बाद मैथमेटिक्स से रहेगा एंड जनरल नॉलेज से रहेगा और इंडो इस्लामिक कल्चर से रहेगा। हमने ऑलरेडी इस पे वीडियोस बनाया है कि क्या क्या कैसे बेसिक डिटेल क्या है इसको लेकर और क्या क्या कितनी सीट्स है उस पर हमने वीडियो बनाया है, तो वो देख लीजिएगा। लेकिन आपको मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप के आपसे रिलेटेड है क्या। इसमें एक बात और ऐड करें, सोर्सेज को लेकर अगर हम बात कर ले, खासकर सबसे पहले सोशल साइंस की बात कर ले जो कि सबसे ज़्यादा एमसीक्यू सोशल साइंस से ही पूछा जाएगा, लेकिन आप इसमें फॉलो क्या कर सकते हैं। जैसे एक तो ये कि सबसे पहले एनसीईआरटी जो है उसको जितना ज़्यादा कम से कम 6-7-8 बार अगर हो सके तो पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने के साथ साथ उसको समझना भी है, क्योंकि आप जो समझते हैं जो लर्न करते हैं वही चीज़ें वहाँ पे पूछा जाता है और आपको जो आता है उसी हिसाब से आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाते हैं। तो हम इसमें बात कर ले तो सबसे पहले आपका एनसीईआरटी, जो कि एनसीईआरटी जो होगा आपका वो 9-10 दोनों होगा एनसीईआरटी जो आपका हो, क्योंकि ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पावर शेयरिंग मैकेनिज्म इन डेमोक्रेसी तो 9th का चैप्टर है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप जो है से 9-10 दोनों एनसीईआरटी आप ढंग से पढ़कर जाएंगे, और उसके साथ ही ढंग से पढ़ के मतलब जितना ज़्यादा अगर अच्छा पकड़ रहेगा उतना ही अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। और सिर्फ अभी हम SST की मैं बात कर रहा हूँ, यानी सोशल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। सोशल साइंस के लिए एक तो वो आप मैंने बुक बता दिया, दूसरा कोई अगर गाइड मिल जाए ढंग का उसको फॉलो कर सकते हैं, और तीसरा ये कि कोई ऑनलाइन वेबसाइट अगर मिल जाता है जहाँ पे इसके इससे हर चैप्टर रिलेटेड MCQ हो, तो चाहे वो जितने वेबसाइट हो सबको सोल्व कर लीजिए। जैसे हो सकता है कि एक अलग अलग वेबसाइट सेम चैप्टर पे MCQ बनाया हो तो उसको जरूर सोल्व कर ले, ताकि वहाँ से एक ब्रीफ आइडिया को लग जाएगा। तो तीन चीज़ें मैं बता रहा हूँ। चौथी चीज़ ये कि अगर आपको मान लीजिए कोई अच्छी बुक, अच्छी स्टैंडर्ड की बुक मिल जाए, स्टैंडर्ड मतलब उसमें डिटेल से बताया गया हो, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये रहा सोशल साइंस का, और मैं अभी जो सिलेबस दिखा रहा हूँ वो सोशल साइंस का ही सिलेबस दिखा रहा हूँ। 9-10 दोनों इसमें एडेड है। अभी हिस्ट्री मतलब मैंने आपको दोनों बता दिया, यहाँ से आपके ज्योग्राफी का हुआ है, ये कंप्लीट ज्योग्राफी आपका फाइनल हो रहा है। अब इसके बाद जो है आपके इंडो इस्लामिक, जो कि दोनों में पूछा जाता है, तो इंडो इस्लामिक के लिए कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, ये आपके चॉइसेस के ऊपर है, बट ये टॉपिक्स आपके होने चाहिए उसमें। तो जैसे आज के टाइम में ये है कि कुछ लोग बताते हैं ट्रू गाइड भी काफ़ी अच्छा है, तो आपको जो लगे वो करिएगा, और उसमें ही सीरत रसूल के बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि इससे MCQ पूछे ही जाते हैं। तो इसके बाद ये इससे तो एट एनी हो क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम इन इंडिया इससे पूछता ही पूछता है, और फेमस रूलर से भी एक ना एक टॉपिक यानी एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है। तो मतलब MCQ रिलेटेड रहेगा इससे, क्योंकि सारे का सारे MCQ ही रहेगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। कुछ फेमस जो सूफीज़ एंड उलमा हैं उनके बारे में भी आपको पढ़कर जाना है, उलमा के बारे में भी पूछ दिया जाता है। तो ये रहा, और वही जनरल नॉलेज की अगर हम बात कर ले तो लेटेस्ट में जैसे एक तो ये देखिए जनरल नॉलेज करंट में जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है आज के टाइम में पॉलिटिक्स, उसके अकॉर्डिंगली या कोई न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हैं तो वो आपको काफ़ी हेल्प कर जाएगा। लेकिन ये कि अगर आप इसमें ब्रीफ आइडिया लेना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन पेपर को जाइए, देखिए 3-4 बार तो उसको लास्ट के 2-3 सालों क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए कि जो GK का जो पार्ट है वो कहाँ से पूछ रहा है। लेकिन ये मान कर रखिए कि लेटेस्ट में 3-4 महीने में जो भी हुआ 4-5 महीना उसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। और वही अगर मैथ्स की बात कर ले तो मैथ्स में भी आपसे मैथ्स की अगर हम बात कर ले तो आपका जो 10th का जो मैथ्स है 99 आई थिंक पूरा होना चाहिए, तो वो आपका उसमें बेसिक भी अगर आप है नॉलेज तो आराम से, क्योंकि मेन आपका सिलेक्शन दिखाएगा दिलाएगा ये सोशल स्टडीज और इंडो इस्लामिक, क्योंकि ये मेंशन है टॉपिक, एटलीस्ट इस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, और जनरल नॉलेज कुछ हद तक। मैथमेटिक्स का भी अगर आप पढ़े हुए हैं तो आप डेफिनेटली आपको यहाँ हेल्प मिलेगा। ये सोर्सेज के बारे में मैंने बता दिया कि आप क्या करेंगे, NCERT सबसे पहले, सबसे ज़्यादा आपको करना क्या है ना कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के लिए आज के टाइम में वेबसाइट बहुत सारे अवेलेबल हैं, डायरेक्ट MCQ जिस चैप्टर वाइज MCQ हमारी वेबसाइट पे हो सकता है 3-4 वेबसाइट आपको मिल जाए और सबको सोल्व कर लेना है। और अगर आपको कोई गाइड मिल जाए ढंग का जो जिसमें हो, क्योंकि ज़्यादा अगर गाइड लीजिएगा भी तो ज़्यादा पुराना नहीं, रिसेंट का अगर लेते हैं तभी आपको फ़ायदा हो सकता है थोड़ा बहुत, वरना वो भी नहीं, क्योंकि गाइड वो आपको एक आइडिया देता है, लेकिन अगर सेम आइडिया आपको मिल सकता है वेबसाइट पे, अगर वेबसाइट जाकर सर, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन सोर्सेज से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अगर मिल जा रहा है आपको MCQ रिलेटेड तो आप उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ से भी आपको 11 ये मतलब 9-10 से रिलेटेड सोर्सेज मिलता है आप उसको छोड़िए नहीं। बात बाकी ये है कि अभी जो भी स्टूडेंट्स AMU में 11th कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ में देना चाहते हैं
खासकर अभी हमारे द्वारा यानी स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मेंशन है और मैं आपको रिमाइंड कर दूं, वहाँ पे अभी 4 से 5 सीट्स वैकेंट है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। थैंक यू।